आज का जो कॉकटेल है इसका नाम रखा हूँ मैं पाइनएप्पल स्ट्रॉबेरी स्लिंग। काफ़ी इंटरेस्टिंग ये कॉकटेल है। ये इंग्रेडिएंट लिस्ट एक बार देख लीजिए, चलिए बनाते हैं। तो पहले आपको चाहिए एक ग्लास और वहाँ पर लॉट्स ऑफ आइस। जी नहीं, मैं थोड़ा आइस कम कर दूँगा, ठीक है, थोड़ा कम रखते हैं आइस और उसके बाद में ऐड कर लेंगे। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 120 ml पाइनएप्पल जूस को डालेंगे। तो चलिए डाल देते हैं पाइनएप्पल जूस। ओके, सो 120 ml पाइनएप्पल जूस मैंने डाल दिया। अब यहाँ पर मुझे देना है जेल। जी हाँ, मैं इस बार चुना हूँ बॉम्बे सफायर, और अगर आपके पास कोई और ब्रांड है चल सकता है, आप दे दीजिएगा। तो मैं जिन दूंगा यहाँ पर 45 ml। आप चाहे तो 60 ml भी दे सकते हैं, बट ठीक है, 45 ml इज बेस्ट। अब मैं यहाँ पर लाइम को ऐड करूँगा, लाइम जूस। तो मैं ऑलरेडी लेमन वेज को, मतलब लाइम वेज को काट के रखा था, तो यहाँ पर मैं 3 यूज़ करूँगा। पहले मैं इसको स्क्वीज करूँगा सो दैट लाइम जूस जो है वो निकल जाए, एंड देन मैं अंदर में ही ड्रॉप कर दूँगा। तो ये गार्निश का काम आएगा। तो 2 एंड देन 3, तो इसमें क्या होगा, 50 ml के करीब करीब लाइम जूस ऐड कर दिया है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको टॉप करेंगे सोडा से। बट उससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि मैं यूज़ करूँगा मैटू टेसर का स्ट्रॉबेरी सिरप, और ये काफ़ी मतलब शुगर कम होने के कारण ये बहुत इंटरेस्टिंग टेस्ट करता है। तो मैं डालूँगा ओनली 10 ml की करीब करीब। हालांकि चलो मैं डायरेक्ट डाल देता हूँ, अगर मैं ऐसे डालता हूँ तो ये नीचे सेटल हो जाता है। आप देखिए, ये देखिए नीचे सेटल हो गया है, एक फैंटास्टिक कलर देता है। अब मैं क्या करूँगा, सोडा डाल दूँगा। तो चलिए सोडा फुल फिल कर देते हैं, टॉप अप कर देते हैं। अब चाहे तो आप कुछ आइस यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो नहीं। मैं नहीं चाहूँगा कि मैं आइस यूज़ करूँ, तो मैं टॉप अप कर देता हूँ, ठीक है। आप कॉकटेल आपका बन के तैयार है, और इसमें हम लोग क्या करेंगे, गार्निश दे सकते हैं। तो मैं एक पाइनएप्पल फैन को यहाँ पर ऐसे गार्निश के तौर पे लगा दूँगा ये, और साथ साथ मैं ये जो पाइनएप्पल के पत्ते हैं वो भी मैं अंदर में डाल दूँगा, तो देखने में ना और भी अच्छा लगेगा। ये देखिए कैसा शानदार लग रहा है ना। तो बन गया आपका ये शानदार कॉकटेल जिसका नाम है पाइनएप्पल स्ट्रॉबेरी स्लिंग। तो कैसा लग रहा है देखने में, सही लग रहा है ना। चलिए मैं थोड़ा टेस्ट कर लेता हूँ। ऑफ कोर्स ये पाइनएप्पल डोमिनेटेड है, मतलब ज़्यादा पाइनएप्पल मुझे मिल रहा है, एंड बहुत लाइट स्ट्रॉबेरी मिल रहा है। क्वाइट डिलीशियस एंड वेरी बैलेंस्ड ये ड्रिंक बनी हुई है। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा इसको बनाने के। आप लोग भी ट्राई कीजिए और इसको बनाइए, और मुझे लिखिए कि आपको कैसा लग रहा है, मतलब टेस्ट। बाय द वे, जब भी आप बनाइएगा तो उसका फ़ोटो मुझे टैग ज़रूर कीजिएगा। तो मेरा जो इंस्टा हैंडल है वो नीचे अपीयर हो रहा है, अब देख लीजिए और टैग कीजिएगा, बहुत अच्छा लगेगा। मिलेंगे बहुत जल्द एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। प्लीज़ ड्रिंक रिस्पॉन्सिबली एंड डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव। जय हो।